सारे पुराणों में बताया गया है कि जब देवी गंगा से स्वर्ग से उतरकर धरती को पवित्र करने की प्रार्थना की गई तो गंगा ने कहा, मेरी धारा बहुत तेज है, अगर किसी ने मेरा भार नहीं थामा तो मैं धरती पर प्रलय मचा दूंगी। तब भगवान शिव ने हिमालय पर गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर उसका प्रवाह धीमा कर दिया और धरती पर उतरी शांत उर्वरा गंगा, जिसे हम बरसों से पूजते आए हैं। लेकिन पिछले 50 बरस में भारत की बढ़ती आबादी ने शिवजी की जटाओं को तहस नहस कर दिया। हिमालय में वनों के विनाश से मिट्टी का कटाव होने लगा, जिससे क्रोधित होकर गंगा ने अपना रास्ता बदल लिया। मैदानों में बाढ़ें आने लगी, बांधों में मिट्टी भर गई, यानी गंगा ने सचमुच प्रलय मचा दी। हमारे पुराने जीवन और आजकल के नए जीवन में क्या अंतर है? हमारा पुराना जीवन जो था उसमें सब ताची थी और हम यानी प्राणी सत्ता के अनुसार काम करते थे, मिलजुल कर सब रहते थे। और नई सत्ता में इतना फर्क आया क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वास्ते लोगों को ख्यालातों में भी कुछ चेंजेस आई है। लेकिन अब फिर दोबारा हम प्राणी संस्था की तरफ जा रहे हैं और प्राणी संस्था हमें कामयाबी दे रही है। धूलाधार ने ये हमें सिखाया है कि ये जो प्राण संस्था है ये आपको जैसे पहले आप रहते थे मिलजुल कर रहना, काम करना, काम सिखाना, काम सीखना, हर से प्यार करना। तेरी पूजन करते हैं हम लोग, शांति करना हमेशा करना, हाँ जो सुख देना, सारे सुख देना, जय हो जय हो जय हो जय। भारत जर्मन धौलाधार परियोजना जर्मनी की तकनीकी विकास एजेंसी और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक मिला जुला प्रयास है, जिसमें कई क्षेत्रों में काम हो रहा है। 1980 में शुरू हुई ये परियोजना हिमालय की निचली पहाड़ियों में बिनवा कैचमेंट के आसपास 270 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका मकसद है यहाँ के लोगों का आर्थिक उत्थान और पर्यावरण को फिर से व्यवस्थित करना। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिद्धिमान सामाजिक विकास विभाग के मैनेजर हैं। जो है इसमें 100 गांव है, इसमें 6000 फैमिलीज हैं और 36000 इसकी पॉपुलेशन है। तो ये तो हमें खुद भी पता नहीं था कि हर गांव में क्या काम होना है और कैसे काम शुरू करना है। इस चाह कि ऐसे गांव सेलेक्ट किए जाएं जिनको हम काम करें और बाकी गांव जो है इसको फॉलो करें, इसको हम की विलेज स्ट्रेटजी कहते हैं। अब ये था कि हमने जो 9 गांव की विलेज लिए उनमें हमने कैसे काम किया, तो हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट एज ए होल टीम के तौर पर सभी सेक्शनल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गांव में जाता था और गांव वालों को हम सभी गांव वालों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भी आपके गांव में क्या काम होना चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं और कौन कौन से काम जो हैं इस गांव में हो सकते हैं। तो हम डिस्कशन के साथ उनकी प्लानिंग करते हैं। इसको हम हमारे अपने अपने एक्सटेंशन के मुताबिक इसको हमने फर्स्ट एंट्री इनटू द विलेज का नाम दिया और जो गांव हमारे फोल्ड में आता है उसको हम पार्टनर विलेज कहते हैं। परियोजना में ग्रामीण स्वयं सेवकों को रखा जाता है जो बराबर लोगों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस क्षेत्र के पर्यावरण को ठीक रखने में उनकी क्या भूमिका है। बीए पास लक्ष्मण सिंह ऐसे ही एक स्वयं सेवक हैं। उनके भाई घर से दूर सेना में या कारखानों में नौकरी करते हैं और लक्ष्मण सिंह पिता की खेती बाड़ी संभालते हैं। हमारे इस धौलाधार प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसमें खेतीबाड़ी है, पशुओं का नस्ल सुधार है, ये सारे काम हैं। अगर इन सब कामों को हम पूरी तरह अपना लेंगे तो जंगलों पर जो बोझ है हमारा वो भी
कम हो जाएगा, तो हमारा इसके साथ साथ ही हम इसके लिए किसानों को खाद बीज वो भी देते हैं। इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो हम अपने बैलेंस कार्यालय में देते हैं। ये हमारा ग्राम सेवक का काम है। नमस्ते जी। नमस्ते। सुना ठीक ठाक? ठीक ठाक। क्या काम कर लिया? बस भैया काम कुछ होना पुक रहा है बेचारी कल हो जाना। ग्रामीण स्वयं सेवक का काम सिर्फ पर्यावरण की समस्याओं के बारे में लोगों को समझाना बुझाना ही नहीं है, बल्कि वे लोगों का नजरिया भी बदलते हैं। गांव वाले उनकी सफलता को स्वीकार करते हैं। धौलाधार के ग्राम सेवक ने हमें बताया कि जो आपके ये जंगल हैं, श्यामलात भूमि है, जो बेकार भूमि है, उसको हम अपने कब्जे में ले रहे हैं और उसमें हम दरख्त वगैरह लगाएंगे और घास वगैरह उगाएंगे, जिससे कि आपको कल को फ़ायदा होगा। लेकिन हमने उसके लिए इनकार किया, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद हमें फिर दिन ब दिन वो हमें बताते रहे कि ये जो है आपको फ़ायदा ही है, और उन्होंने हमें बिल्कुल कन्विंस कर दिया कि आप ये ज़रूर दे दें और इस पर आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। महीने में दो बार ग्रामीण स्वयंसेवक परियोजना के 8 विभागों के मैनेजरों से मिलते हैं। ये विभाग हैं वानिकी, कृषि, बागवानी, पशुपालन, स्वरोजगार, मिट्टी और जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा और समाज कल्याण। इन विभागीय मैनेजरों की सिफारिश सरकार करती है। इस परियोजना के लिए ग्रामीण स्वयंसेवक प्रश्नों का समाधान करते हैं। योजना से संबंधित निर्देश लेने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख में अपना समय व्यतीत करते हैं। ये नहीं बताया कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी है, कम से कम मैट्रिक है या सभी के लिए सब उसमें मतलब अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ बांस के डंडों को सुरक्षित रखने के लिए तारकोल में डुबोया जा रहा है। धौलाधार के जंगलों में इन्हीं से बाड़ लगाई जाती है। लोगों के नजरिए में बदलाव का एक शुभ संकेत यह है कि बाढ़ से घिरी जमीन पर एक भी गाय या बकरी चरती हुई दिखाई नहीं देती, और हाँ, बाढ़ की चौकसी के लिए कोई फॉरेस्ट गार्ड भी नहीं होता। यहाँ का जो पौधारोपण और फेंसिंग का काम है, इसको वही लोग करते हैं जिनका इस सामलात भूमि में हक हकूक है। इसके लिए ही मैक्सिमम हर एक जगह, हर एक गांव में ग्राम सुधार सभाएं, विलेज डेवलपमेंट कमेटियां बनाई हुई हैं, जो इसकी पूरी देखभाल करती है। परियोजना के अंतर्गत ग्राम विकास समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां हर एक गांव में बड़े बूढ़ों और ग्राम पंचायतों से बराबर संपर्क रखती हैं। गांव में यही लोग तो फैसले करते हैं। कने सोगी जड़ा पानी है तिस्ते सह प्रॉब्लम हल हो जाती। सभी गवर्नमेंट से यहाँ जो सेंक्शन आने वाली है, क्योंकि इस फंड की कमी थी। सन 1980 से आने से पहले हमें बहुत मुश्किल थी, और प्रोजेक्ट सन 1980 में आया है तो उसे आने से बाद हमें कुछ सहायता मिली, जिससे पहले हमारे गाय भैंस ज़्यादा थी और घास की बहुत कमी थी। अभी घास जो है हमें खुला मिल रहा है। शर्मा जी वानिकी विभाग के मैनेजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। फर्स्ट वन कटाव का जिन इलाकों में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो है चील और साल। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो 3 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं वो हैं सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि पर पशु चारा उगाना, लोगों की जगहों पर रोजमर्रा के महत्व के पौधे उगाना। फॉर्डर ट्रीज एंड विच कम्प्राइज ऑफ रोविनिया, कचनार, दिस बहुनिया एंड ओई। Then we are taking up the people plantation where we plant trees in the private lands. हमें हमारे ग्राम सेवक साहब ने ये समझाया कि ये जो हमारी श्यामलात भूमि है, अगर इसमें हम दरख्त नहीं लगाएंगे और प्रोजेक्ट का साथ नहीं, संजोग नहीं देंगे, तो इसमें जो नुकसान होगा ये हमारा अपना नुकसान होगा, और इसीलिए इनकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज है। दौलाधार प्रोजेक्ट आने से पहले हमारी हालत ठीक नहीं थी। दौलाधार प्रोजेक्ट आने के बाद असें बड़ी सहूलत मिली। असें लकड़ियाँ लैना बड़ी दूर जाना पौंदा था। असने इत जेड़े पेड़ थे सारे कट्टी थे, खत्म हो चुके थे। असने जेड़े थे मुंडू से सारे बाहर चले गए कमाने। असें जनानियों काम करना पौंदा था सारा। श्रीमती परमार
कृषि विभाग की मैनेजर हैं। बेहतर किस्म के बीजों, संतुलित खादों और कीटनाशक दवाइयों के आ जाने से इस परियोजना क्षेत्र में 25% की वृद्धि हुई है उपज में। नियमित रूप से किसानों की सभाएं होती हैं, जिनमें खेती बाड़ी के मसलों पर बातचीत की जाती है। परियोजना क्षेत्र के हरेक गांव के महिलाओं के महिला मंडल बनाए गए हैं, जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत करते हैं, जैसे आमदनी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, बागवानी, स्वास्थ्य आदि। महिलाएं ये समझ गई हैं कि अपनी अवैध शराब की भट्टी बंद करने से उनके पतियों को बहुत फायदा हुआ है। सुभद्रा एक ग्रामीण स्वयं सेविका है, उसके दो बच्चे हैं, पति स्कूल में पढ़ाते हैं। सबसे पहले ना हमने गांव में जाकर महिलाओं को महिला मंडल बनाने के लिए प्रेरित किया। गांव में जाकर महिलाओं को महिला मंडल के बारे में जानकारी दी कि महिला मंडल बनाने के क्या लाभ होते हैं तथा इकट्ठे बैठकर किन किन चीजों का ज्ञान आता है। परियोजना की एक सबसे कामयाब खोज है धोलाधार चूल्हा। ये बेहद सस्ता और बनाने में आसान है। इसमें तवे और चिमनियों के कारण ईंधन की लकड़ी की खपत बहुत कम होती है। फिर इस साल कमरा साफ नहीं करना पड़ता, ज्यादा बर्तन ठीक रहते साफ, लकड़ियां दूर लैन जाना पौंदा हा, पेड़ नहीं थे नेड़े। सोलर कुकर च चावल, राजमा, चने दी दाल, फिर खीर, फिर डबल रोटी बनती है। कने दो घंटे टाइम लगता है, दो ही घंटे च फिर ये तैयार हो जाता है। टाइम दी बचत और लकड़ी दी बचत है। गुप्ता जी वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के मैनेजर हैं। अब कई परिवार ऊर्जा के दूसरे साधन इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे वनों से ईंधन की लकड़ी की कटाई कम हो गई है। इसमें से हम लोगों को धौलाधार चूल्हा चूल्हे के लिए प्रोत्साहित किया हुआ है। इसमें से लकड़ी की बचत जो है हमारी 31% जो है वो लकड़ी बच जाती है। हमने इसका कंपैरिजन किया हुआ है और दूसरे चूल्हों की अपेक्षा इस चूल्हे पे 31% लकड़ी बच जाती है। महिलाओं की जिंदगी का एक और अहम हिस्सा है बागवानी। बागवानी विभाग उन्हें सामूहिक और निजी बागान लगाने और सब्जी उगाने के लिए बढ़ावा देता है। जो भी बाग बगीचे बिच पौधे लगाए ने उन्हें गुडाई असं अपने हाथों कर दी, तो जो भी नाशपाती दे फल होंदा है उस बेच के जो भी पैसा है वो अपने महिला मंडल बिच इकट्ठा कर देनी है। हमें सबसे पहले शर्मा जी बागवानी के साथ साथ स्वरोजगार और मिट्टी संरक्षण विभाग भी देखते हैं। पपरोला गाँव में हमने ये स्थापित की है और यहाँ वही पौधे तैयार किए जाते हैं जो इस जलवायु, इस परियोजना क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से सुटेबल हैं। वही पौधे हम लोगों को यहाँ तैयार करके और फ्रेश पौधे लोगों में बांटते हैं। इस वक्त तक हमने कोई तकरीबन 1.5 लाख के करीब फल पौधे इस नर्सरी में तैयार किए हैं और परियोजना क्षेत्र में बांटे हैं। ग्रामीण स्वयं सेवक का एक प्रमुख काम है लोगों को वनों के बजाय दूसरे काम धंधों के लिए बढ़ावा देना। परियोजना के अधिकारी मानते हैं कि लोगों को पुराने काम धंधों से हटाना मुश्किल है और फिर मधुमक्खी पालन, रेशम पालन और शहतूत की खेती जैसे कई कार्यक्रमों में सफलता भी नहीं मिली, लेकिन कुछ कार्यक्रम सफल हुए हैं। प्रोजेक्ट में 500 रुपये हमने ग्रांट दी थी सब्सिडी दे के, तो खड्डी ले आया, 2 महीने बाद खड्डी होर ले आया, प्रोत्साहित होता गया, कम खर्च चलता गया, तो रोज 10-15-20 रुपये कमाने लग गया, ये 25-30 भी हो जाते, सीजन पर तो काफ़ी कमाते रहते पैसे। उसके बाद इस तरह है जी कि फिर कुछ आदमी रख लेते हैं,
एक दो आदमी रख लेते तो खड़ियाँ होर बताती चार होर आती छः हो गई सारी खड़ियाँ छः खड़ियाँ ना माल प्रोडक्ट करके तो प्रोजेक्ट ने मार्केटिंग का किया जी सारा काम मार्केटिंग दिल्ली शिमला श्रीनगर के पास भी ले गए मतलब अपने खर्चे पर सारे पास डाए उन्होंने। शर्मा जी का स्वरोजगार विभाग बढ़ईगिरी चमड़े के काम लोहारी और गलीचा बुनने जैसे कामों में प्रशिक्षण और सहायता देता है। करते हैं गांव में जाकर फिर उनको विभिन्न व्यवसायों में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनके लिए मशीनरी वगैरह का इंतजाम किया जाता है बैंक से लोन वगैरह दिलाया जाता है। अंगोरा ऊन के लिए खरगोश पालने से कुछ गाँव वालों को फायदा हुआ है उन्हें एक नया काम मिला और जमीन चरने वाली भेड़ बकरियों की संख्या भी कम हो गई। दलादार वाले ने हमें 12 खरगोश दी थी से वही जब 50-60 वही खरगोश थी उनके मुझे 60-70 की ऊन बेची इसे हमने सेड बना लिया और तलिए संभाला। मुझे धौलाधार प्रोजेक्ट से मिले और मैं गद्दी जाति से संबंध रखता हूँ। मेरे पास 300 भेड़ बकरी थी और मैंने धौलाधार प्रोजेक्ट से ट्रेनिंग ली जिसमें कि 10 फीमेल और 2 मेल मिले और 6-7 महीने के बाद ये 60 हो गए और मैंने इसकी ऊन काटी। इसमें मुझे 7 महीने में 6,000 रुपए प्राप्त हुए। गांव वाले अपने मवेशियों पर कितना गर्व करते हैं इसका पता सालाना पशु मेले में लगता है। स्थानीय मवेशियों का प्रजनन जर्सी नस्ल के सांडों से कराने पर उनका दूध बहुत बढ़ गया है। गांव वाले अब पशुओं को खुले में चराने के बजाय बाड़े में बांधकर खिलाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। पशु चराने से जमीन की ऊपरी परत नष्ट होती है और मिट्टी का कटाव होता है। यही नहीं उनके खुरों से कुचलकर मिट्टी खत्म हो जाती है जिससे वो पानी सोख नहीं पाती और खराब हो जाती है। हमारे प्रोजेक्ट में 16 ब्रीडिंग सेंटर हैं जिनमें से 8 जो हैं हमने बुल सेंटर हैं और 8 हमारे मोबाइल इंसेमिनेशन सेंटर हैं। तो 8 जो बुल सेंटर हैं हमने खोले हुए वहाँ पर नेचुरल सर्विस का प्रावधान है जहाँ पर कि गायों को बैल से जर्सी बैल से मिलाया जाता है और इसका जो रिजल्ट है बड़े अच्छे हैं। क्या नाम है? पशुपालन विभाग के मैनेजर डॉक्टर कौशल का कहना है कि वैसे तो बीमार और कमजोर मवेशी अब भी खुले में घूमते नजर आ जाते हैं लेकिन लोग अब अपनी मर्जी से बेकार और बूढ़े पशुओं को गो सदन भेजने लगे हैं। वहाँ इन मवेशियों की देखभाल होती है। जिस दिन से दौलादार ने आई है उस दिन से हमारे को कहा बे पशु दे दियो माड़े साड़े से पशु माड़े साड़े हमने अहंकार कर दिया उनको बे पशु तो हमारे पास आनी आनी देने बे मार डालेंगे उधर उनके जूते बना लाएंगे हमने साफ इनकार कर दिया। हाँ पहले तो मनाए थे जी हाँ बोले भी देखभाल नहीं होती पशुओं की कने हूँ फिर यहाँ जी पंच लई है कार जी पंच लई है खरियाँ जो ता फिर यहाँ तो दिखी आए ता फिर इसके बाद असा यकीन हुई है। अब कई गांवों में पशुओं के लिए साफ सुथरे पक्के शेड बन गए हैं जहाँ उन्हें चारा पानी दिया जाता है। गद्दी लोगों तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम है। ये घूमते गडरिये अपनी भेड़ बकरियों को हर साल नीचे के गांवों से ऊंचे पहाड़ी चारगाहों तक ले जाते हैं और फिर वापस आते हैं। आते जाते रास्ते के जंगलों और चारागाहों को भी नष्ट कर देते हैं। इस मामले में परियोजना पूरी तरह असफल रही है लेकिन गद्दी लोगों का विश्वास जीतने के लिए गडरियों के रास्ते पर भेड़ बकरियों की नस्ल सुधारने की सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद उनके रहन सहन को बदलना नहीं बल्कि इन सबसे जिद्दी लोगों से संपर्क बढ़ाना है। परियोजना में लोगों का विश्वास प्राप्त करने के कई उपाय किए गए हैं। इन्हें ट्रूको उपाय कहते हैं। इनकी मदद से लोग रहन सहन के नए ढंग में तब्दीली की परेशानियों का मुकाबला करते हैं। ने, 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 ने,
डिपिंग और ड्रेंचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे पशु जो है स्वस्थ रहता है और इससे जो कीड़े हैं पेट के और जो इसके बाहर के कीड़े हैं वो मर जाते हैं और ऊन उत्पादन तथा मांस उत्पादन में 20% जो है वृद्धि होती है। फिर महाराज बड़े भारी सड़का बढ़िया था, बहुत प्लाट आए, पारे पारे घर वगैरह थे वो बहुत खराब हो गया, चली गया बहुत बहुत घर नुकसान हो गया, माल चल गया, बहुत जमीन चल गई, आदमी मर गया, कुत्ते मर गया, घर चल गया, जमीन चल गई बहुत बहुत। फिर जड़ी धौलीधार बनी तो उन्हें बहुत बड़े भारी फायदा कीतियाँ, चिचक डैम वगैरह लई है, बूटे लई है, गरीबा लोगों का रोजगार खुड़ गई। मिट्टी और जल संरक्षण विभाग का कार्य तो सबके सामने है जैसा कि गंगो देवी ने कहा और लोग सचमुच इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लिफ्ट सिंचाई, नहरें, पुलिया और पहाड़ों के किनारे चकबंध आदि इस विभाग के कुछ काम हैं। विभाग के मैनेजर अवस्थी जी बता रहे हैं कि चकबंध कैसे बनते हैं। चेक डैम हम जी आए वायर को एक जाला बना देते हैं, फिर उसमें हम पत्थर बांध के स्ट्रक्चर को बना देते हैं। इसमें हम इनको एक स्टेप्स बनाते हैं ताकि नीचे वाला जो स्टेप है वो करीब चौड़ा हो, ऊपर से कम होता चले। इससे ये होता है कि जब पानी गिरता है तो फर्स्ट स्टेप में फिर सेकंड स्टेप में गिरता है और उसके साथ में जो उसका नीचे है वो इरोजन नहीं हो पाता है और गिरता नहीं है चेक डैम। चेक डैम इसलिए हम बनाते हैं जिन नालों में जो नाले साइड्स को काट रहे होते हैं उनमें हम चेक डैम बना के उसके इरोजन को इमिडिएटली स्टॉप कर देते हैं। उससे ये होता है कि उसकी जो मिट्टी है वो बहती नहीं है और वो पानी जो है वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाने की वजह से वो मिट्टी बहती नहीं है और वो साइड जो है वो कटती नहीं है। बैठा क्या करना है? एक कणक थी मैंने थोड़ी दे है जब फिर आने सिले दाने निकल जाने। अच्छा अच्छा त्याड़ी में तीन दसी है ना फसल वगैरह दे के आई कह जर्सी गाय टीका लगाने से लगाई था में चूल्हा था। युवक मंडलों ने पर्यावरण के बारे में परियोजना के संदेश फैलाने के लिए खुद नुक्कड़ नाटक लिखे और गली गली घूमकर लोगों को दिखाए। लोगों ने इनका मतलब समझा और तारीफ भी की। ये काम समाज कल्याण विभाग का है और ग्रामीण स्वयं सेवक इसमें मदद और प्रोत्साहन देते हैं। डॉक्टर यूरिक ने परियोजना में जर्मनी के सहयोग के बारे में बताया। धौलाधार परियोजना पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक सराहनीय कदम है। हमारा लक्ष्य था समन्वित ढंग से लोगों का पुनर्वास करना और प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करना। आपके और हमारे दोनों के हिसाब से ये परियोजना महंगी पड़ी। एक तो ये अपने किस्म की पहली योजना थी और दूसरा इसने काफी समय लिया। कुल मिलाकर ये खर्चा जायज साबित होते हैं, पर सच पूछिए इस योजना को तब तक सफल नहीं मान सकते जब तक दूसरे गांव भी इस योजना को नहीं अपना लेते। But since experience had to develop first, it was a kind of trial and error process. This trial and error process would be much too expensive if this project remains the only of its kinds. पृथ्वी जो है परियोजना अधिकारियों की बराबर कोशिश रही है कि लोग जिम्मेदारी से अपने पैरों पर खड़े हों ताकि परियोजना समाप्त होने पर अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल खुद कर सकें। यही नहीं, इस विभाग ने स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से पर्यावरण की जानकारी दी है। लेने के लिए इस सब का एक्सप्लॉइट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए कि कुदरत के नियम क्या है। तो उस कुदरत के नियम को जानकर अगर हम इसका शोषण करेंगे तो हमारी इस वातावरण जो ये सब चीज़ें हैं ये वातावरण है इसका नाश नहीं होगा और हमारी ज़िंदगी जो है बनी रहेगी। और इसीलिए आपने देखा है कि आपके क्षेत्र में धौलाधार परियोजना जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह पर्यावरण संरक्षण करना है, लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान द्वारा। श्री कॉल ने परियोजना के समन्वित स्वरूप के बारे में बताया।
that, you know, there was a, there is a conception normally that development means destruction. विकास का अर्थ विनाश जैसी गलत धारणाओं को हमने इस परियोजना के जरिए मिटाने की कोशिश की, बल्कि हमने तो लोगों को समझाया कि प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा का सीधा संबंध विकास से है, अर्थात बिना विनाश के ही आर्थिक विकास संभव है, या यूं कहिए वनों का कटाव गरीबी को जन्म देता है। ये कहना मुश्किल है कि परियोजना के सभी कार्यक्रमों को पूरी सफलता मिली है, लेकिन फिर भी काफी सारे कार्यक्रम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि लोगों के सहयोग से कई क्षेत्रों में विकास की समन्वित योजना को तेजी से लागू करने से ही पहाड़ों को लंबे समय तक फिर से हरा भरा रख पाना मुमकिन है। इस प्रयोग ने साबित कर दिया है कि यदि परंपराओं का सम्मान किया जाए तो लोग खुद अपने पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बन जाएंगे। परियोजना शिवजी की जटाओं के बंधन तो पूरी तरह नहीं कस पाई, लेकिन उसने आज की पीढ़ी और अगली पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा कर दी है। अगर जागृति की ये अंकुर फूलते फलते रहे तो शिव के इन हरे भरे पहाड़ों और गंगा के विशाल मैदान को भयंकर नुकसान से बचाया जा सकता है।